अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज हम बना रहे हैं बहुत ही मज़े के चिकन रोल। जी हाँ, ये चिकन रोल बनाना बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल तरीके से बन जाते हैं, लेकिन खाने में बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होते हैं। रोल बनाने के लिए मैंने 500 ग्राम्स बोनलेस चिकन ली, इसे अच्छे से वॉश करके मैंने बिल्कुल अच्छे से इसे ड्राई कर लिया है। तो अब यहाँ पर देखिए, इस चॉपर में हम चिकन को डालेंगे। आप चॉपर की बजाय मिक्सी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये मैंने चिकन के पीसेस इसके अंदर डाल दिया और अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे। तो ये मैं डाल रही हूँ इसके अंदर नमक, 1 टीस्पून नमक डाल देंगे इसमें, और इसके साथ ही डालेंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून वाइट पेपर पाउडर, आप इसकी जगह काली मिर्च पाउडर डाल सकते हो, 1/2 टीस्पून जीरा पाउडर, और 1 टेबल स्पून मैं डाल रही हूँ चिली फ्लेक्स कुटी हुई लाल मिर्च, 1 नींबू का रस, ये रही 2 हरी मिर्चें, और इसके साथ ही 2 बड़े चमचे भर के मैंने डाल दी हरी प्याज एंड स्प्रिंग अनियन, और साथ में हरा धनिया। हरा धनिया और हरी प्याज का फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छा आता है। 1 बड़ी प्याज काट के मैंने डाल दी इसके अंदर, रफली चौकी हूँ प्याज को, और उसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ब्रेड के स्लाइस। तो यहाँ पर मैं 2 बड़े ब्रेड के स्लाइस ले रही हूँ, ये देखिए ब्रेड के स्लाइस को भी इस तरह टुकड़े करके डाल देंगे। और अब इसको बिल्कुल अच्छे से हम जो ग्राइंड कर लेंगे, आप इसे मिक्सी ग्राइंडर में भी कर सकते हो। तो चलिए इसे हम ग्राइंड करते हैं। तो ये देखिए, चिकन रोल का बैटर हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है, बिल्कुल अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब इसे हम बोल में निकाल लेते हैं और इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1/2 कप चीज़। आप इस रोल को चीज़ के बगैर भी बना सकते हो, चीज़ ऑप्शनल है। यहाँ पर मैंने प्रोसेस चीज़ को ग्रेट कर ली हूँ और अब चीज़ को भी बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और उसके बाद इसे हम फ्रिज में रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। फ्रिज में रखने की वजह से रोल बनाने में बहुत ही आसानी हो जाती है, क्योंकि ये काफ़ी लिसलिसा हो जाता है। तो ये देखिए, हमारा बिल्कुल अच्छे से ये बैटर सेट हो गया है। अब हाथों में अच्छे से ऑयल लगा लेंगे और उसके बाद इसके हम रोल तैयार कर लेंगे। आप अपनी मनपसंद शेप के रोल बना सकते हैं, कबाब बना सकते हैं, या सिलेंडर शेप के, जैसे शेप चाहे आप उसके बना सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने इसे सिलेंडर शेप के रोल बना लिए। अब इसकी हम कोटिंग की तैयारी करते हैं। तो कोटिंग करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 अंडों में थोड़ा सा दूध डालकर अच्छे से फेंट ली हूँ। 2 अंडों में मैंने तकरीबन 2 चमचे दूध डाले थे, फेंट ली, और साथ में यह है ब्रेड क्रम। तो अब इसे हम सबसे पहले ब्रेड क्रम में कोट करेंगे, फिर अंडे में डिप करेंगे। अंडे में डिप करने के बाद आप चाहें तो इसे इसी तरह फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको क्रिस्पी खाना है, इसकी कोटिंग आपको क्रिस्पी चाहिए, तो इसे हम एक बार और ब्रेड क्रम में कोट कर लेंगे बिल्कुल अच्छे से। ये देखिए, इससे ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाते हैं, कोटिंग भी इनकी क्रिस्पी हो जाती है, और उसके साथ जो चीज़ होती है वो बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलती, क्योंकि हमने इसे डबल कोटिंग कर ली है। तो इस तरह से तमाम हमारे रोल तैयार कर लेंगे। अब इस स्टेज पे आप चाहें तो इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने ट्रे के अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पर तमाम रोल्स को रख दिए और इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे 2 घंटे के लिए। और जब ये थोड़े हार्ड हो जाएंगे तो इसे ज़िपलॉक बैग में इस तरह से पैक करके हम तकरीबन 1 महीने तक इसका इस्तेमाल बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो ये मैंने चिकन रोल को अपने फ्रीज़ कर दी, और आपको थोड़े से मैं फ्राई करके बताती हूँ। तो ये देखिए, तेल को अच्छे से गर्म कर लेंगे, इसे हमें हॉट तेल में फ्राई करना है। अगर आपका तेल ठंडा होगा तो इसकी कोटिंग उतर जाएगी, इस स्टेप्स को आप याद रखें। तेल अच्छा गर्म होने के बाद इसे हम फ्राई करेंगे मीडियम टू हॉट ऑयल में, क्योंकि ऑलरेडी तमाम चीज़ें अंदर पकी हुई है, तो इसे स्लो पे फ्राई करने की हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे स्लो पे फ्राई करोगे तो हो सकता है कि ये चिकन रोल्स की चीज़ जो है वो बाहर निकल जाए। तो आप इसे बस मीडियम टू हॉट ऑयल में झटपट से फ्राई करें, बहुत ज़्यादा देर तक भी फ्राई ना करें, बस हल्का सा गोल्डन रंग आने पर इसे हम निकाल लेंगे, क्योंकि अगर आप ज़्यादा फ्राई करोगे तो रोल में से चीज़ जो है टूट कर बाहर आने लगेगी। तो बस ये देखिए, बिल्कुल परफेक्ट है आपके सामने, बिल्कुल भी चीज़ रोल के बाहर नहीं आई है। तो चलिए इसे हम गर्मा गर्म सर्व करते हैं मायो डिप के साथ में। तो ये लीजिए, तैयार है हमारे चिकन रोल। इसका मैं आपको फाइनली लुक भी बताती हूँ, खाने में बहुत ही मज़ा के और बनाने में बहुत ही आसान।
तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए इस रमज़ान के इफ्तार में। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर के साथ शेयर करें, लाइक करें, खुद भी खाएं और को भी खिलाएं। अपना और अपनी फैमिली का खूब ध्यान रखें और साथ में हमें भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।